लाडो विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त हम खानपुर में खड़े हैं। खानपुर यहाँ का बड़ा गांव है और यहाँ पर देखिए गांव की चौपाल के पास बड़े बुजुर्ग से खेत में जाते हुए ये भी दिख रहे हैं। हमने इनको रोका है और हमारे साथ बहुत लोग खड़े हैं, कुछ बच्चे भी हैं, पास में शायद स्कूल भी है, खानपुर का वो तालाब भी है, गांव की पूरी संस्कृति। बताओ साहब, 2018 विधानसभा चुनाव आपका वोट किसको बाबूजी? जो विधायक अच्छा होगा उसी को वोट दिया जाएगा। अब अच्छा बुरा जो उम्मीदवार अच्छा होगा, जो खड़ा होने वाला अच्छा है, कांग्रेस का अच्छा होगा तो कांग्रेस को दे देंगे, ये बीजेपी का अच्छा होगा तो उसको अच्छा देंगे, अच्छा आदमी को वोट देंगे हम तो। अच्छा आदमी को वोट देंगे, पार्टी को नहीं देंगे। पार्टी को वोट नहीं देंगे, वेरी गुड। मतदाता बहुत जागरूक हो गया है, पार्टी की निष्ठा छोड़ चुका है, अब वो आदमी को परखता है, आदमी कैसा है, आदमी कैसा है। अब एक बात बताओ, अमर जी की सरकार चल रही है वसुंधरा जी की, क्यों संतुष्ट हो गए? कौन है ठाकुर तो को एमएलए सिटिंग एमएलए ठाकुर साहब क्यों संतुष्ट हो रहे क्यों भी को नहीं? तो इसका मतलब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, न तो मुख्यमंत्री से संतुष्ट है न विधायक से। आपकी बात भैया ये है, आपकी बात सा बोल रही है, बिल्कुल बिल्कुल आई बात है सर, आई बात है। तो आप उम्मीदवार देख सो तो उम्मीदवार क्या खुल हो गए आपने कांग्रेस बीजेपी को कोई मतलब लाडनू तहसील पूरी के बारे में कुर्चा लगा दी। क्या बात है भाई, राजनीति के नेताओं से लोग परेशान है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग को वोट देने के लिए तैयार है, राजनीति गरबाड़ों प्यार को और थाना सारो वोट ले घर हजार बैठ जे प्यार को वो आर थारी पाची सुने थारी सुन ले वोट दो। आई बात है, कोई जाति की बात को नहीं, कोई जाति की बात को नहीं। कानपुर में वोट कितना सा कितना वोट पड़े? 850 वोट पड़े, एक तरफा पड़े, गाँव एक मिलकर करे, अलग अलग देवे लोग, आपका मनु देवे आपकी उम्र कितनी बाबू जी? हमारी उम्र 70 साल खेतदारी हो गए। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया आपने अपना समय दिया। ये खानपुर से, खानपुर में आबादी कितनी सा कितना घर है? 400 घर है, 400 घर और तकरीबन 800 वोट, एक एक वोट का फर्क पड़ता है, 800 वोट तो बहुत वजन रखते हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि जो सामाजिक सेवा कर रहे हैं, ये क्या नाम है इनका, सागरवंशी नाटा साहब, सागरवंशी नाटा के लिए यहाँ के लोग बोल रहे हैं, अगर वो खड़े होते हैं तो उनको हम पूरा समर्थन देंगे। प्रेजेंट जो एमएलए हैं उनसे असंतुष्ट हैं और रानी जी से यानी वसुंधरा जी से लोग असंतुष्ट हैं, यही बात है साहब, सच्ची बात की हूँ तो सारी मन की बात की हूँ तो कोई बदलाव तो को नहीं बात में, ठीक है साहब, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, आओ साहब।